स्वामी नारायण सिटी अ ग्लोबल लैंडमार्क। हेलो एवरीवन, मैं शनमुख रोकड़े आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ एक खूबसूरत शानदार आलीशान सिटी के बारे में, जो सिटी सिटी के अंदर ही एक सिटी ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि डोंबिवली वेस्ट में बनाया गया ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्वामीनारायण प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बहुत आलीशान और बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 100 एकर्स पे प्रोजेक्ट बनाया गया हो, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे हमें डोंबिवली वेस्ट स्टेशन पे पहुंच सकते हैं। यहाँ से अगर हमें ठाणे जाना हो तो हम 15 मिनट के डिस्टेंस पे हम ठाणे पहुंच सकते हैं वाया मानकोली ब्रिज। अगर दोस्तों हमें मीरा भाईंदर जाना हो तो हम फेरी के माध्यम से उल्लास नदी के तट पे, जहाँ फेरी मिलेगी हमें, वहाँ से हम डायरेक्टली जा सकते हैं मीरा भाईंदर रोड। और अगर दोस्तों यहाँ से हमें कल्याण शिल्पाटा रोड जाना हो तो हम रिंग रोड के माध्यम से कल्याण शिल्पाटा रोड पहुँच सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा भव्य मंदिर जिसका नाम है स्वामीनारायण मंदिर, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे बनने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जगह पे हम इजीली कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसे जगह पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है। बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप अगर जानना चाहो तो आइए मेरे साथ, हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब तक हमने जाना स्वामीनारायण सिटी के बारे में, अब हम जानेंगे घर जंक्शन कंपनी के बारे में। हमारे साथ घर जंक्शन कंपनी मिस्टर अनमोल कदम सर, वेलकम टू आवर वीडियो सर। तो हम जानना चाहेंगे डिटेल में आपकी कंपनी के बारे में, घर जंक्शन के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम अनमोल कदम है। तो हम लोग बिफोर 7 साल से ये मार्केट में काम कर रहे हैं, मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में। हम लोगों के पास सर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों के पास सब सोर्स है, जस्ट लाइक हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पूरा करते हैं, तो इसके माध्यम से हम लोग कस्टमर जनरेट करते हैं। कस्टमर को हम लोग जो प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन है, हमारा एम्प्लॉई है, हमारा सेल्स मैनेजर है, पूरा इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देता है। हम लोग ऑलमोस्ट 70% कस्टमर को इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं, देन कस्टमर को जो भी हमारी तरफ से फैसिलिटी रहेगी, वो जस्ट लाइक कैब हो गया, कस्टमर को कैब दे के हम लोग साइड पे बुलाते, फिर यहाँ पे हम लोग सेल्स मैनेजर को असाइन करके बाकी काम कर लेते हैं। तो सर हम जानना चाहेंगे कि घर जंक्शन और स्वामीनारायण सिटी ये कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। घर जंक्शन और स्वामीनारायण सिटी सर कनेक्टेड इसके लिए ये है कि हम लोग, जैसे हमने मैंने आपको पहले ही बोला कि हम लोगों ने मार्केट में हम लोग इस्टेब्लिश है और हम लोगों ने बहुत सारे कस्टमर को फ्लैट दिए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कस्टमर को बड़े से बड़ा घर मिले। कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में, कस्टमर को स्वामीनारायण सिटी के आसपास अगर देखोगे तो हाइजेनिक एरिया है, जहाँ पे रिवर है, एक टूरिस्ट प्लेस है, नेचर से बहुत करीब, बहुत करीब है। और कनेक्टिविटी के बारे में देखा जाएगा तो ये मानकोली डायरेक्टली आपका थाना कनेक्ट करता है। डोंबिवली स्टेशन आपको हार्डली 1.5 किलोमीटर है, जहाँ से 12-15 रुपए में शेयरिंग ऑटो से आप डायरेक्ट, मतलब बहुत ही करीब है। यहाँ पे कैसा है,
एक मेन यहाँ पे जो है एक 13 एकड़ में स्वामीनारायण का जो टेम्पल आने वाला है वो तो बहुत इसके लिए ये जाना जाएगा, स्वामीनारायण सिटी उसके लिए जाना जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि एक नव डोंबिवली स्टेशन यहाँ पे नजदीक आ रहा है उसके लिए। और अभी कैसा है कि अगर देखोगे आप मुंबई में देखोगे तो इतना लैंड पार्सल किसी भी डेवलपर के यहाँ पे नहीं है, जो स्टेशन से कनेक्टेड है और सारी फैसिलिटीज है, सारी एमिनिटीज आपको दे रहा है। जैसे कि हमने देखा और ऐसा सुनने में आया कि स्वामीनारायण सिटी के लिमिट में ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि नव डोंबिवली स्टेशन है, आपने वो भव्य मंदिर के बारे में जो कहा, महाराष्ट्र में ऐसा मंदिर है नहीं इतना बड़ा। तो बहुत अच्छा लगा सर सुन के, आपकी कंपनी के बारे में जानकारी हमें मिली, बहुत अच्छा लगा सर, धन्यवाद सर। तो नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ आए हैं स्वामीनारायण सिटी जैसे कि आप जानते हो, और इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल जानकारी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के साइट हेड मिस्टर आदर्श शाह सर, सर नमस्ते, और सर के कलीग मिस्टर मिलन केसरी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते सर। तो सर जैसे कि हम स्वामीनारायण सिटी के बारे में हम सभी दर्शक जानना चाहते हैं आपसे, इसका इंट्रोडक्शन अगर आप जरा दे सकते हो। श्योर। सो जैसे आप जानते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम स्वामीनारायण सिटी है, और ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है डोंबिवली वेस्ट लोकेशन में, जो मात्र डोंबिवली स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। ये प्रोजेक्ट उल्हास रिवर के बहुत करीब है, उसके तट पे है, 100 मीटर की दूरी पर उल्हास रिवर के तट से ये प्रोजेक्ट शुरू होता है, और दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट ऑफ डोंबिवली वेस्ट। हमारे बहुत सारे अपार्टमेंट से आपको उल्हास रिवर का क्लियर व्यू मिलेगा। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 100 एकड़ ज़मीन पे है, एंड अभी फ़िलहाल हमारा 2 फेजेस चल रहा है, Phase 1 and Phase 2, एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टाउनशिप्स इन डोंबिवली वेस्ट लोकेशन। जैसे आपको पता है कि डोंबिवली वेस्ट जो है वो कम्प्लीटली रेजिडेंशियल एरिया है, और डोंबिवली वेस्ट में इससे बड़ी टाउनशिप और कोई है नहीं। एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अभी हमारे 3 टावर्स जो है वो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है, जो आपको दिसंबर तक आपका पोजीशन मिल जाएगा, और बाकी की 1-2 टावर जो उसकी अलग अलग डेट्स ऑफ डिलीवरी है, जैसे मार्च 25 और दिसंबर 24 भी हमारे पास डिलीवरी डेट्स हैं। ये प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 लाइफस्टाइल अमेनिटीज़ है, जैसे क्लब हाउसेज हो गया, अपना स्विमिंग पूल्स हो गया, किड्स लाइफस्टाइल क्लिप्स प्ले एरिया हो गया, और बहुत सारी और अमेनिटीज़ आपको मिलेगी। और एक ख़ास बात ये प्रोजेक्ट की ये भी है कि हमारे पास बहुत सारी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर कोई प्रोजेक्ट में आज अपार्टमेंट लेता है तो वो उस पार्किंग ज़रूर लेता है प्रोजेक्ट के साथ। तो पार्किंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में क्या अलग से पार्किंग आपको दी जाती है प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन हमारे बहुत सारे बिल्डिंग्स में पोडियम लेवल पार्किंग, मतलब आपके बिल्डिंग के ठीक नीचे आपको पार्किंग मिलेगी, जो सबसे ज़्यादा सुविधा देती है यहाँ पे रहने वालों को, क्योंकि उनको बिल्डिंग से बाहर जाके गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनको बिल्डिंग के नीचे ही उनको पूरी पार्किंग मिल जाती है। बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर आने वाला है जिसका नाम है स्वामीनारायण मंदिर, जो महाराष्ट्र का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स होएगा, जो आप 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा स्वामीनारायण टेम्पल। और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक है, और ये सारी चीज़ें आपको और कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं मिलेंगी। जैसे कि सुना आप सबने सर, और इस प्रोजेक्ट का यूएसपी क्या हो सकता है? जी, ये प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है इसकी कनेक्टिविटी। आज हमें पता है कि मुंबई में आज जो लोग रहते हैं उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रैवलिंग का, राइट? ट्रैवलिंग अपने घर से लेके ऑफिस तक, या घर से लेके बच्चों के स्कूल तक, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में कोई भी मुंबईकर के लिए है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना। ये प्रॉब्लम जो है हमारा प्रोजेक्ट आपको सॉल्व करके देता है। कैसे देता है?
आज हमारे प्रोजेक्ट से रिंग रोड पास होने वाला है जो हमारे प्रोजेक्ट को कल्याण टिटवाला थ्रू कनेक्ट करता है थ्रू वन रिंग रोड और दूसरी जगह पे कटई ऐरोली टनल के वहाँ कनेक्ट करता है। तो कटई ऐरोली से आप नवी मुंबई पहुँच सकते हो और रिंग रोड के दूसरे भाग से आप कल्याण टिटवाला पहुँच सकते हो। सेकेंडली द बिगेस्ट कनेक्टिविटी जो हमारी है वो है आपकी अपर थाने की कनेक्टिविटी थ्रू अपकमिंग मानकोली ब्रिज। अगर आपने अभी पढ़ा होगा यू नो म्यूनिसिपैलिटी ने भी अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि हमारा जो मानकोली ब्रिज है वो अप्रैल 2023 तक कंप्लीट होने वाला है जो आपको डोंबिवली से थाने मात्र 15 मिनट में कनेक्ट करेगा। आज जो लोग थाने से रोज़ कम्यूट करते हैं रोज़ यातायात करते हैं उनको पता है कि सबसे बड़ा हेडेक क्या है थाने से यहाँ आने का। अगर आप शील फाटा रोड से आते हो तो कम से कम नहीं तो 45 मिनट से एक घंटा लगता है अगर आप शील फाटा के ट्रैफिक से होते आते हो। उसके बीच में तीन चार स्टेशन है जैसे कलवा मुमरा हो गया दीवा कोपर हो गया उसके बाद डोंबिवली आता है। तो ये सभी चीज़ें ये सभी जो इनकन्वीनियंस है ये मानकोली ब्रिज मात्र 15 मिनट में आपको थाने पहुंचाएगा। तो हमारे लोकेशन से मानकोली ब्रिज जो शुरू होता है वो सीधा आपको अपर थाने 15 मिनट की सीधा थाने से कनेक्टिविटी आपको करवाएगा। तो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आपको थाने से 15 मिनट में कनेक्ट करके देगा। प्लस यहाँ हमारे प्रोजेक्ट में एक विद इन 200 मीटर्स में नव डोंबिवली स्टेशन आ रहा है जो आपको कनेक्टिविटी वसई विरार के लिए भी देता है। यहाँ से नव डोंबिवली से एक कनेक्टिंग ट्रेन जाएगी जो आपको वेस्टर्न लाइन में वसई विरार को कनेक्ट करती है वेस्टर्न लाइन में। तो अगर आप देखो मुंबई में कितनी दिशाएं हैं आपको अगर सेंट्रल लाइन में जाना है तो आप सेंट्रल लाइन में जा सकते हो थ्रू थाने विद इन 15 मिनट्स। आपको वेस्टर्न लाइन की कनेक्टिविटी मिलती है थ्रू द वसई विरार जो हमारी कनेक्टिविटी है थ्रू नव डोंबिवली आ रही है। अगर आपको कल्याण टिटवाला साइड जाना है तो हमारा रिंग रोड जो है वो आपको कल्याण टिटवाला में कनेक्ट करता है और बाकी अगर आपको नवी मुंबई साइड जाना है तो हमारा जो रिंग रोड जो दूसरी तरफ से कटई ऐरोली जो कनेक्शन आपको हम लोग दे रहे हैं वो आपको सीधा आपको नवी मुंबई लेके जाएगा। तो आपको मुंबई में प्रैक्टिकली कोई भी लोकेशन में जाना है तो यहाँ से सेंट्रल लोकेशन आपको ज़्यादा बेटर नहीं मिल सकता। सो दिस इज़ द बिगेस्ट USP ऑफ द प्रोजेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामीनारायण टेम्पल जो अपने आप में ही बहुत भव्य है और जो सबसे बड़ा टेम्पल है वो आने वाला है। दिस इज़ अनदर USP कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही सिचुएटेड होगा स्वामीनारायण टेम्पल जो 3.5 एकड़ की ज़मीन पर बन रहा है। वी आर गोइंग टू कम अप विथ द बिगेस्ट क्लब हाउस इन द डोंबिवली वेस्ट लोकेशन जो अप्रोक्सीमेटली समझ लो कि 16,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है। उसके बाद और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है फैमिलीज के लिए स्पेशली फॉर देयर किड्स सिंघानिया इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ गौतम सिंघानिया वो हमारे प्रोजेक्ट में आ रहा है। मुझे आपको सिंघानिया इंटरनेशनल स्कूल में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है अगर आप जानती ही होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन नॉट ओनली इन मुंबई बट इन इंडिया। यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत ही मुश्किल है तो अगर आप अपने बेटे का या बेटी का एडमिशन लेना चाहते हो तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट लुकिंग एट द कॉम्पिटिशन जो उनके पास एप्लीकेशन आती हैं उन वो हिसाब से यहाँ पे एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। अगर वो स्कूल हमारे यहाँ सिचुएटेड है दैट मीन्स कि हमारे जो रेसिडेंट्स हैं जो यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनको हम लोग प्रायोरिटी देंगे फॉर देयर किड्स टू गेट एडमिशन इन दी सिंघानिया इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लस पॉइंट्स। क्योंकि आज आप अगर देखते हो अपने बच्चे का फ्यूचर अगर वो गौतम सिंघानिया ये सिंघानिया इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के बाहर निकलते हैं तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होता है। तो दिस इज़ अनदर USP। तो अगर आप ओवरऑल लाइफस्टाइल देखो एक परिवार को क्या लाइफस्टाइल चाहिए अगर आप लाइफस्टाइल देखते हो तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कनेक्टिविटी आपकी यातायात आप कहाँ से कहाँ रोज ट्रैवल करते हो। तो स्टेशन सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है जो यहाँ से स्टेशन की दूरी मात्र 5 से 10 मिनट में आप तय कर सकते हो तो डोंबिवली स्टेशन नज़दीक है। अगर आपको थाने जाना है तो थ्रू मानकोली ब्रिज आप 15 मिनट में पहुँच सकते हो।
अगर आपको जैसे मैंने बताया कल्याण टिटवाला या आयरोडी कटई नाका जाना है तो वो आपको 10-15 मिनट में आप पहुंच सकते हो, करेक्ट। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अगेन द लाइफ स्टाइल विद इन द कम्युनिटी, आपके लिए आपके पूरे परिवार के लिए सब कुछ है जो एक कम्युनिटी दे सकती है। आपके बच्चों के लिए स्कूल है, उनके लिए किड्स प्ले एरिया है, आपके खुद के एंजॉयमेंट के लिए क्लब हाउसेज है, लेजर के लिए क्लब हाउसेज है, किड्स पार्क है, किड्स प्ले एरिया है, वॉकिंग जॉगिंग ट्रैक्स है। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जैसे ग्रोसरीज हो गई, राइट। हमारे यहाँ रिलायंस सुपरमार्ट खुलने वाला है जो मेरे ख्याल से एक साल के अंदर रेडी हो जाएगा। तो रिलायंस सुपरमार्ट ऐसी चीज़ है, वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरमार्केट्स इन बॉम्बे आई वुड से, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है और एक साल के अंदर तैयार होके शुरू हो जाएगा। सो इससे बेटर अगर आप ऑल ओवर अगर आप कंप्लीट लाइफस्टाइल की बात करते हो तो कन्वीनियंसेस, लेजर, यू नो योर ट्रांसपोर्टेशन एंड एजुकेशन, वो सभी चीज़ें यहाँ पे ये कम्युनिटी में मौजूद है, विच मेक्स इट द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल कम्युनिटी टू लिव इन द डोंबिवली लोकेशन। सर आपने तो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए, ऐसे तो मैं सोच सकता हूँ। सर एमिनिटीज की बात भी हो, हाँ, या फिर लोकेशन की बात हो, तो मेरे ख्याल से ये सिटी के अंदर ही सिटी है, करेक्ट। जैसे कि हम सोच रहे कि हम घर ले रहे हैं, हम घर नहीं ले रहे, यहाँ पे नजदीक सारी चीजें हैं। जहाँ पे आपने जो पॉइंट बोला, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अगर मुझे थाने जाना है तो मुमरा, दीवा, कलवा ये सब होके रेलवे के माध्यम से जा सकता हूँ, या घूमकर जाना होता है सुशील फाटा, यस, जहाँ एक घंटा लगता है, करेक्ट। लेकिन ये इतनी सुविधा, इतनी कनेक्टिविटी क्लियर है, अच्छी है। 15 मिनट मेरे तो मतलब अनबिलीवेबल, 15 मिनट में थाने, डोंबिवली से थाने पहुंचना मतलब ये अनबिलीवेबल है, एब्सोल्युटली। क्योंकि शिलपाटा तक पहुंचने के लिए ही कभी कभी एक घंटा चला जाता है। सो ये सब बारीकियां है जो आपने बताया, एमिनिटीज के बारे में भी आपने बताया सर। एनीथिंग मोर देन दिस इफ यू वांट टू से जो मैंने प्रैक्टिकली मैंने सभी चीज जो बोलनी थी मैंने कवर कर ली है। एक और एडिशनल चीज़ मतलब मैं खास करके ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़ इन डोंबिवली। अगर आप डोंबिवली में अगर आप देखोगे, वाटर फ्रंट कम्युनिटीज़ कोई भी नहीं है। वाटर फ्रंट मेरा कहने का मतलब है कि नदी के तट पर सिचुएटेड कोई भी कम्युनिटी पूरी डोंबिवली में नहीं है। वाटर फ्रंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आज यू नो उल्लास तट वो पूरा जो डेवलप होएगा, वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आसपास के लोगों को यूज़ करने के लिए होएगी। जैसे यू नो यू कैन वॉक अराउंड उल्लास रिवर, शाम को अगर वहाँ पे एक वॉकवे बन जाता है तो यू नो आप फैमिली के साथ वहाँ टहलने के लिए जा सकते हैं नदी के तट के ऊपर। यू नो वहाँ पे आसपास में बहुत सारी ग्रीनरी लैंडस्केपिंग होएगी जहाँ पे आपके बच्चे लोग खेल सकते हैं, राइट। सो अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जैसे इन्होंने भी बताया कि अ सिटी विद इन अ सिटी बट इट इज़ नॉट एज कंजेस्टेड एज अ सिटी। यू नो आसपास में ग्रीनरी भी बहुत है, आपको 100 मीटर की दूरी पे आपको एक यू नो रिवर फ्रंट मिल रहा है, प्लस विद इन द कम्युनिटी आपको सब सुविधाएं मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप अ क्लीन हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ पॉल्यूशन फ्री लाइफस्टाइल की अगर आप बात करते हो तो ये कम्युनिटी में आपको सब मिलता है विदाउट एनी इम्पैक्ट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जैसे कि यू नो देर आर कम्युनिटीज, देर आर प्लेसेस वेयर यू नो शिलफाटा अगर आप देखते हो आज के डेट में तो वहाँ पे ट्रैफिक की यू नो बहुत आज यू नो चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस यहाँ पे नहीं है बिकॉज वी आर फार अवे फ्रॉम शिलफाटा। बट एट द सेम टाइम वी आर वेरी क्लोज टू द स्टेशन, वी आर राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। तो इन टर्म्स ऑफ कम्यू ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, कि टाइम की बात करते हो, डिस्टेंस की बात करते हो, वो आपकी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। ओके सर, सारे सवालों के जवाब तो दर्शकों को मिल ही गए, लेकिन सर सबसे पहला और आखिरी सवाल किसी के भी मन में आता है अगर वो घर लेने जाए, आपको समझ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। वो सवाल ये है कि सर बजट, क्योंकि एक सामान्य घर का आदमी अगर घर लेने जाए तो उसका बजट और बाकी सब उसकी पॉलिसीज जो भी है उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ बोलो। राइट, हम लोग ने ये पूरी कम्युनिटी बनाई है कि बना ही रहे हैं एक मिडिल क्लास को मद्देनजर रखते हुए,
राइट, वी अंडरस्टैंड कि डुम्बिवली और उसके आसपास के रीजन में वी आर ऑल अ वेरी वर्किंग क्लास पीपल. रोज़ हम लोग काम पे जाते हैं, यू नो सबकी लॉट ऑफ देम आर सैलरीड पीपल एंड एक मध्यम वर्गीय परिवार से हम लोग आते हैं. तो मध्यम वर्गीय परिवार के भी आज एक एस्पिरेशन होता है, एक इच्छा होती है कि हमें भी अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने का एक मौका मिले, हमें भी एक टाउनशिप में रहने का मौका मिले जहाँ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो एक ही जगह पे, हमें सब जगह जाना नहीं पड़े. तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही हमने आज स्वामीनारायण सिटी का निर्माण किया है. यहाँ पे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल सेगमेंट में मैं बोल सकता हूँ कि वो आते हैं. वो हमारे यहाँ 1 बेडरूम भी है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम्स भी है, अपार्टमेंट शुरू होते हैं. स्टार्टिंग प्राइजेस इज़ नॉट मोर देन 40 लाख रुपीज़, 40 लाख के अप्रॉक्सीमेट से शुरू होती है, ठीक है. एंड हमारे पास फिर यू नो जिनकी जिनकी इच्छाएँ उपेक्षाएँ भी थोड़ी बड़ी हैं, जिनको बड़ी स्पेसेस भी चाहिए तो हमारे पास वो भी है. तो हमारे पास जो होता है ना मिक्स ऑफ अपार्टमेंट जो कोई भी परिवार को चाहिए, आज जिनको चाहिए कि मुझे 40 लाख में भी एक घर चाहिए अपने पूरे परिवार के लिए, हम आपको वो प्रदान करने के लिए तैयार है. वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है. अगर किसी को चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए, यू नो अब मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, मेरे साथ मेरे दादाजी भी रहते हैं, मेरी दादी भी रहती है, मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं, मेरे बहन रहती है, तो मुझे थोड़ा बड़ा घर चाहिए, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. तो आज हमारे पास ऐसा कोई भी यू नो अपार्टमेंट नहीं है जो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं कर सकता. अगर आपको यू नो बजट अपार्टमेंट चाहिए तो मेरे पास बजट अपार्टमेंट भी है, अगर आपको बड़ा अपार्टमेंट चाहिए तो मेरे पास बड़ा अपार्टमेंट भी है. सो बेसिकली वी आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट आर लुकिंग फॉर अ हाउस इन डोंबिवली. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. इतनी सारी जानकारी आपने दी तो अभी मेरे मन में और कुछ सवाल आएंगे ऐसा लग नहीं रहा है. लेकिन सर एनीथिंग यू वुड लाइक टू से मोर देन दिस हमारे दर्शकों के लिए, और इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि लोग सोचे कि ये हमें कुछ कहीं जगह पे नहीं मिल रहा है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं स्वामीनारायण सिटी में, तो सर प्लीज़ बताइए उसके बारे में. श्योर, सो प्लीज़ बी रेडी मेरे दर्शकों, बहुत ही कुछ यूनिक आने वाला है, बहुत ही कुछ नया आने वाला है जो डोंबिवली वेस्ट में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. एक नया लॉन्च लाने वाले हैं स्वामीनारायण सिटी बहुत ही जल्द. डिटेल्स आपको बहुत ही जल्द मैं शेयर करूंगा बहुत अलग अलग माध्यमों से. लेकिन वेट, आपके हम जो नया लॉन्च लाने वाले हैं, हम लोग जो नए अपार्टमेंट्स लाने वाले हैं मार्केट में, ऐसी चीज़ आज तक डोंबिवली वेस्ट के लोकेशन में किसी ने नहीं देखी होगी. ऐसा प्राइसिंग आएगा, ऐसे ऑफर्स आएंगे, ऐसा क्वालिटी आएगा ऑफ अपार्टमेंट्स जो डोंबिवली वेस्ट के जितने भी कस्टमर्स हैं जिनको डोंबिवली वेस्ट में अपना घर यू नो लेने की इच्छा है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी ये सूचना है और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ आएगी, बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं. सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड सरप्राइज. एनीथिंग ओवर एंड अबव दिस मिस्टर मिलन केशरी जो मेरे कलीग है, इफ यू वॉन्ट टू एड समथिंग मिलन ऑन दिस. एक बहुत ही अच्छा भव्य ऑफर हम लोग ला रहे हैं और वो कंटिन्यू चल भी रहा है, वो है 0 stamp duty, 0 registration और 0 GST. ये 3 चीजें जो 0 मैंने बताए हैं, ये बहुत ही बड़ा और भव्य ऑफर है हमारे स्वामीनारायण सिटी के क्लाइंट्स के लिए, जो जिसके कारण क्लाइंट्स को हमारे प्राइसिंग में भरपूर फायदा होगा.